और मेरे सुंदर से गांव से। क्या खा रहे तो? से लग चुके हैं तो देखो यहाँ से हो गया भाई। कल सुबह खोलिया गांव में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो कि डिसबैलेंस होने के कारण से सीधा नीचे खेतों में जा गिरा। उल्टी बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। नाना मेरा नहीं है, देखो इस टाइप से हो रखा है। यहाँ देखो भले ही एयरबैग वगैरह खुल गए थे, देखो भाई बहुत ही गंदा सीन हो रखा है यार। लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग साइड है, पुलिस भी नहीं आ रही यहाँ पे। पुलिस पर टिक्का लगा यार, पैसे भी दे रहे भाई। ओ यार हेलो दगड़ियों, क्या हाल चाल आप सभी को। सुरेंद्र पहाड़ी का प्यार भर नमस्कार। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भद्र विशाल। नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आई एम सुरेंद्र रावत फ्रॉम देव भूमि उत्तराखंड। देव भूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों से और इन सुंदर से पहाड़ों से और मेरे सुंदर से गांव से। मेरे गाँव का नाम मेहरगांव। चलिए शुरू करते हैं। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, यानी कि 7:30 हो रहे हैं और कुछ इस प्रकार से मैं तैयार हो चुका हूँ। मौसम की बात की जाए तो आज बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, हल्की हल्की धूप लगनी शुरू हो चुकी है। आज तैयारी है भाई देहरादून की, तो कुछ खास सरप्राइज होने वाला है तो बताएंगे आपको देहरादून जाने के बाद। ये देखो प्रिया छुप रही है, प्रिया नमस्ते। हेलो हेलो, ये देखो प्रिया ये भाई तैयार हो चुकी है। क्या खा रही तू? लाबड़ी कहंदी नहीं। आज से लग चुके हैं भाई, फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है। प्रिया देखो गोदी में आ गई भाई। ये देखो भाई पूरा जूते देखो यहाँ से हो गया भाई, गिलने हो गया, पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं भाई। ये मुसीबत भी है भाई पहाड़ों में। एकदम चलो जी। ये मशक्कत के बाद भाई पहुंच पाए हम यहाँ पे। बिजवाना तबीयत पानी यजवाना। सुफाइन दोस्तों निकल चुके हैं चटोली गांव से, और आजकल भाई मौसम की बात करें तो काफी सुंदर और सुहाना मौसम। कल सुबह खोलिया गांव में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो कि डिसबैलेंस होने के कारण से सीधा नीचे खेतों में जा गिरा। यहाँ से गिरा, मैं देखो यहाँ से ऐसे आते हुए वो गुत्तू से आ रहा था, और यहाँ देखो भाई पूरा ऐसा हुआ भाई, पूरी ईंट वगैरह गिरी थी, लोगों ने उठा दिए वो ईंट वगैरह। और यहाँ देखो भाई काफ़ी दुखद, जो ट्रक चालक था वो भाई भी मतलब सुरक्षित है, उनको मतलब कि बेस हॉस्पिटल यहाँ नीचे पिलखी में ले जाया गया। तो पहुंच गए भाई। देखते देखते भाई बारिश लग गई है, और अब डालते हैं ऊपर से एक बरसात टाइप की, ये तो भाई पूरा सामान भीग जाएगा। उल्टी जी होनी उल्टी
काफी खतरनाक वाली बारिश लग गई है भाई। तो फाइनल दोस्तों, हम इंटर हो चुके हैं घनसाली में। तो भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग तो कुछ खाने वाले हैं, अभी हम फल फ्रूट वगैरह देख रहे हैं। आए भाई, जैसे सभी लोग खाना खा रहे थे तो मैं सब मतलब यहाँ पे घूम रहा था, तब तक भाई हमारे बड़े भाई मिल गए हमें। शक्ति राणा, शक्ति है भक्ति है, सौंप का आनंद ले रहे हैं। अभी भाई पीरू मेरे साथ बैठ चुकी है आगे। आप पीरू आनंद ले रही है चॉकलेट का, एकदम किटकैट भाई। किटकैट के नीचे तो वो चॉकलेट ही नहीं खाती है। बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया है। नाना मेरा नहीं है, हम तो वहाँ फंस रखे पीछे। और यहाँ देखो भाई, बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो रखा है। और भाई कभी भी अगर आप लोग आते हो ना, देखो इस टाइप से हो रखा है। यहाँ देखो, भले ही एयरबैग्स वगैरह खुल गए थे, और यहाँ देखो इतनी स्पीड से थे वो लोग कि क्या ही बोले भाई, एकदम पूरा ब्लड ब्लड हो रखा है। देखो भाई, बहुत ही गंदा सीन हो रखा है। जब भी कभी आप लोग आते हो ना भाई, तो यार प्लीज संभल रिक्वेस्ट है भाई लोगों की, यार लेट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ना इतनी स्पीड से आना भाई सेहत के लिए। और ये देखो बस से हुआ है, उत्तर प्रदेश वाहन है यार वो, HR की गाड़ी है ये देखो। इस पे ना चोट इसलिए नहीं ना, क्योंकि वही आया, इसने पीछे ही कर रखा है। हाँ रॉन्ग साइड है, फिर रॉन्ग साइड है, पर नुकसान तो देखो ना हुआ उसका ही ज्यादा है ना। इसका तो क्या है कि बस है ना, मैं जैसे भी 2-3 मिनट हुए हैं। पर देखो यार एयरबैग्स वगैरह ना देखो ना पूरे खुल रखे हैं भाई, मतलब टाइम पे खुल रखे हैं भाई एयरबैग्स वगैरह ना। देखो ना ये देखो एयरबैग्स वगैरह ना टाइम से खुल रखे हैं। यहाँ देखो वाला ना वो तो पूरा फट ही गया था शायद एयरबैग में, खून पंचर सा हो रखा है भाई, बुरे हाल एकदम। इतना बड़ा एक्सीडेंट भाई लाइफ में मैंने पहली बार देखा है भाई। वही एकदम कबर ही वही खुल गया पूरा, वही कबर आ गया पूरा एकदम ऐसा करके ना। मैं यार पहले मैंने पहली बार देखा भाई, पुलिस पुलिस भी नहीं आ रही यहाँ पे, पुलिस भी तो नहीं आ रही। मैंने कहा यहाँ पे निकल चुके हैं भाई 13 रोड के लिए। तो फाइनली भाई हम देहरादून पहुंच चुके हैं, और हमें लेने आ रखे हैं भाई ये लोग। यहाँ पे देखो ये देख, पैक हो रही है मिठाई। ये देखो भाई, उन्होंने इनको कॉम्प्लीमेंट्री भी दे दिया। तो फाइनल दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और अब भाई थोड़ा रेस्ट होगा और उसके बाद खाना पीना जो भी है, देन निकलेंगे भाई अपने काम के लिए। भाई टिक्का लगा यार, पैसे भी दे रहे हैं भाई। ओ यार अभी बात भी नहीं कहा हमने। जी ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, और अब मैं आगे लेके यहाँ से भाई जस्ट ऑटो करता हूँ, और
रोड पर निकलते हैं। देन आगे दोस्तों हमारी कैब आती है और देन हम एंटर होते हैं अपनी कैब में और देन निकलते हैं आगे के लिए।